हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सैटरडे की सुबह का व्लॉग। थोड़ा सा बस ये क्लिप शूट की थी मैंने, दिस स्कूल जा रही थी, तो आज ड्राइंग क्लास है ना, इसीलिए आउट ड्रेस में जा रही है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज संडे और संडे की सुबह सुबह हम जा रहे हैं सब्जी बाज़ार। तो अभी का आज का व्लॉग, कल तो व्लॉग कुछ शूट नहीं किया, तो आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो दिशू के पापा स्कूटी निकाल रहे हैं, तो अभी बज रही सुबह के 5:30, तो वो स्कूटी निकाल के आ जाए, उसके बाद फिर हम निकलेंगे सब्जी मार्केट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए, आज मैंने आप लोगों को ना ये क्लॉक टावर दिखा ही दिया, एकदम रास्ता खाली था और ये बहुत सुंदर से आया है। देखिए, तो ये हमारा तेजू का चौराहा है मार्केट में, और ये सब्ज़ी मार्केट स्टार्टिंग में कम दुकानें होती है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर शूट किया है। और आगे जाकर ना पूरा एकदम दोनों तरफ रास्ते के पूरा सब्जी ही सब्जी लेकर बैठते हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ भीड़ भाड़ में जाकर मैं शूट नहीं की हूँ। तो इस साइड ना पूरा लोकल सब्जी बेचते हैं, जो बस्ती में रहते हैं वो सब सब्जियां लेकर आते हैं। मैं आ गई हूँ मार्केट से, तो मैं अभी यहाँ पर बैठ के चाय पी लूँगी। और हमारा जो ये ड्राइंग रूम का पंखा है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए चला नहीं सकती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। वैसे तो नीचे ही बैठूँगी, तो सबसे कंफर्टेबल ना नीचे बैठकर खाने में है, चाहे कोई भी चीज़। तो अगर मैं ये रूम में आती हूँ ना, मैं सोफ़ा में नहीं बैठती हूँ, यहाँ नीचे ही बैठती हूँ। बाकी रूम में तो हमारा नीचे बैठने का कुछ जगह ही नहीं है, आपने देखा ही है, खाली चलने के लिए है थोड़ा सा जगह। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ पर बैठती हूँ। चाय और बिस्किट है। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद ये मैं आ गई हूँ, सब्ज़ी जो है ना उन्हें निकाल लूँगी तो फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मेरा पूरा एक सप्ताह का सब्ज़ी है, तो चलिए सैटरडे तक चलेगी, क्योंकि संडे की सुबह तो फिर मार्केट जाएंगे। तो इस बार मैंने ना साग दो ही किस्म की लाई है, देखिए ये है लाव का डोगा और ये है पाट साग। तो ये दो ही किस्म के साग लाई थी, तो इन्हें प्लास्टिक में भरकर फ्रिज में रख दूँगी, तो ये ज़्यादा दिन रहेंगी। तो और साथ में ये काकरोल, कोचू, झींगा, ये सब है, तो इन सबको अभी डालकर और वो जो बास्केट है बास्केट में रख दूँगी। और अभी सब्ज़ी थोड़ी सस्ती हुई है, तो अभी जो आप ब्लॉग देखेंगे वो मंडे का है। नहाकर आ गई हूँ, तो चलिए अभी जाते हैं, खाना बना लेती हूँ। तो आज बनाऊँगी पाट साग मसूर दाल के साथ, और झींगा और जो कोचू होती है ना, अरबी, हाँ अरबी, उसे बनाऊँगी। तो वही होगा आज हमारा लंच, तो चलिए बना लेते हैं। फ्रेंड्स, सुबह ना मैंने उतना ही शूट किया था संडे का, और उसके बाद घर में कोई आ गए थे ना, तो थोड़ा उनके साथ बैठकर बात करना पड़ता है, तो उसके बाद थोड़ा लेट हो गया, और उसके बाद खाना फटाफट बनाने के चक्कर में ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मंडे है, तो मंडे को मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो आज बना रही हूँ ये मिक्स सब्जी, एक बना रही हूँ सब्जी देकर, और एक पाट साग जो कि मसूर दाल के साथ बनाऊंगी, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब सारे मसाले इसमें ऐड कर और इसमें पानी मैं नहीं डालूंगी, गैस लो कर इसे बनाऊंगी, पानी एकदम नहीं डालूंगी क्योंकि झींगे में पानी होता है, और इन्हें मिक्स कर ढककर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पाट साग, तो इस तरीके के होते हैं। कल मैंने शाम को ही इसे ना अच्छे तरीके से साफ करके रख दिया था, तो इसे बनाऊंगी मसूर दाल के साथ। तो ये झींगे की सब्जी मिठाई है, मैंने इसमें है झींगा, आलू और जो कोचू अरबी जो बोलते हैं वो, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको, भात पोड़ेला बोलते हैं ना वो। ये देखिए, साग मैंने चॉप कर ली है, तो अभी ये वाली गैस पे ये सब्जी बनेगी, और लाइट नहीं है जो इंडक्शन में बनाऊंगी, तो इंडक्शन में नहीं बना सकती, तो इस वाले गैस पर अभी वो दाल चढ़ा दूंगी। तो आज तो मैं मंडे है, तो मैंने बोला कि अब लोग में आज मंडे है, क्योंकि दो दिन का वीडियो मिक्स कर जाएगा संडे मंडे का, तो वही। तो ये 12:10 है, और मैं दिशु को लेने जा रही हूँ, तो आज पापा भी नहीं है घर में, तो इसीलिए ताला मार के जाना पड़ेगा। और कल पापा डॉक्टर के पास गए थे ना, उनके पैर में दर्द था, तो आज एक्सरे के लिए बोला था, तो वहीं पर ले गए हैं
एक्सरे करवाने के लिए पैर का। तो चलिए अभी चलती हूँ, दिया है तो चलिए अभी चलते हैं, धूप देखिए कितनी तेज़ है।